व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज अवर 46 व्लॉग्स बैक अगेन विद न्यू वीडियो गाइस। तो आज का वीडियो हमारा विक्रांत की सर्विस के ऊपर होने वाला है। मेरे फ्रेंड की बाइक है, उसे हम लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि उसने एक साल से अपनी बाइक सर्विस नहीं की है। तो अभी हमें दिखा देता हूँ हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस ये है वो मेरा कंजूस दोस्त जिसने एक साल से अपनी बाइक सर्विस नहीं की है। दुरेश भाई बहुत बड़ा एक ही अकेला है, दुरेश एक ही अकेला है, एक साल बाइक सर्विस नहीं करता। तो गाइस जिन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, ये देख सकते हो मोटुल का इंजन ऑयल है 20W50 का, और ये है हमारा एयर फिल्टर नया वाला, और ये है हमारा ऑयल फिल्टर। तो ये तीन चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे। एक चीज़ है जो लाइक 150 रुपये का मिली है, स्पेशली अलग से खरीदना पड़ा, इतना बड़ा टूल बॉक्स होती भी। सो गाइस तो 14 नंबर तक इस टूल बॉक्स में था, तो ये हमें इसके लिए 18 नंबर का लगेगा, जैसे कि देख पा रहे हो हमने परचेस किया है सिंगल पीस। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है विक्रांत का ऑयल ड्रेन बोल्ट। तो पहले हम इसे लूज कर लेंगे। इसे लूज करने के लिए हमें पहले पाना लगाना है कुछ इस तरह, और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरीके से मारोगे तो ये लूज हो जाएगा, हो जाता है ओवर एक्साइटमेंट में। तो गाइस अभी ये लूज हो चुका है, तो इंजन गर्म है, हम इस बैग में निकालने वाले हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, आप कुछ ले सकते हो बॉटल वाटल, बट हमारे पास कुछ नहीं है अभी, इसलिए हम एयर फिल्टर की बैग यूज़ कर रहे हैं। गाइस मेरा दोस्त बहुत कंजूस है, तो ओके जस्ट निकलने ही वाला है, और ये इसे इंजन ऑयल पूरा खत्म हो चुका है गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो। यस फुल्ली ब्लैक हो गया है। आपको इंजन को थोड़ा गर्म करना है, उसके बाद आप ऑयल निकालो, तो देखो कितना स्मूथली निकलता है ऑयल। सो गाइस जब तक हमारा ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम लोग इसका ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं। तो 8mm का सॉकेट लेना है आपको, ये वाला रैचेट का, या फिर कोई भी ले सकते हो आप, और एंटी क्लॉकवाइज सब घुमाने आपको। ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, तो आपको इस स्प्रिंग को पकड़ के एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर को बाहर निकालना है। एक साल में पूरा खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग रिप्लेस करते हैं फाइनली। सो गाइस ये है हमारा नया ऑयल फिल्टर, तो अंदर देख पा रहे हो हम लोगों ने क्लॉथ से पोंछ के अच्छे से साफ कर लिया। ये क्यों हुआ है? अरे वो ऑयल हमारा काला हो जाता है ना, तो ज़्यादा दिन रहने की वजह से वो हमारा येलो हो चुका है। तो गाइस सिंपली बस आपको इसे इस तरह डालना है और प्रेस करके आपको यहाँ पे इसका कैप लगा देना है। सो गाइस अभी हम लोग इसे फिट कर रहे हैं, तो आपको उंगली से कुछ इस तरीके से दबाना है, और एक ही बोल्ट को आपको फुल टाइट नहीं करना है, तीनों एक साथ करने हैं ताकि आपका असेंबली क्रैक ना हो यहाँ का। तो ये अभी अच्छे से टाइट हो चुका है, तो अभी हम इसका एयर फिल्टर चेंज करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग एयर फिल्टर चेंज कर रहे हैं, तो ऑयल अभी तक ड्रेन हो रहा है, तो इसे भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये काफ़ी इजी निकल जाएगा, और यहाँ से आगे से पुल करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे, पुल पुल ओके। तो आगे खींचना था, आगे खींचने के बाद यहाँ से ये लॉक निकल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे आप, यहाँ पे ये जो बॉडी वाला पार्ट है शो के लिए, यहाँ पे भी दो बोल्ट दो स्क्रू है, यहाँ पे ये दो चार छः सात और ये आठ टोटल स्क्रूज आपको अनस्क्रू करने हैं। तो अभी सब ओपन करके हम लोग निकाल रहे अभी फटाफट से। सो गाइस तो यहाँ पे भी एक स्क्रू था जो नीचे था, ये वाले बॉडी पार्ट के नीचे था। तो टोटल आपको मैं बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्क्रूज आपको अनस्क्रू करने हैं। उसके बाद भी इसको आपको बाहर खींच लेना है, तो जितनी देख पा रहे हो एयर फिल्टर इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे क्योंकि इस तरीके से इसे फेंक देंगे हम लोग। सेकेंडरी एयर फिल्टर है जो फॉर्म का है छोटा सा, तो उसे भी हम लोग निकाल के पेट्रोल से साफ कर लेंगे अभी। ये स्क्रू निकलने के बाद ये जाली निकल जाएगा ऊपर का प्लास्टिक का, और उसके अंदर देख पा रहे हो ये वाला है, तो इसे हम पेट्रोल से साफ कर लेते हैं पहले। सो गाइस अभी हम लोग इसे पेट्रोल से साफ करने वाले हैं। सो गाइस देख पा रहे हो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, नेक्स्ट सर्विस में हम लोग इसे रिप्लेस कर देंगे। सो गाइस तो बाद में इसके ऊपर की फ्रेम भी हम यहाँ पे रख देंगे जाली ये वाली, और ये स्क्रू भी डाल देंगे यहाँ पे। हमारा
सो गाइस सबसे पहले हमें ये वाला स्क्रू टाइट करना है। तो मैं अभी आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये वाले पार्ट के नीचे यह हैंड हो जाएगा, तो फिर हम लोग बाकी के सब अभी लगा देंगे। सो गाइस सारे स्क्रू एयर फिल्टर के बैठा दिए हमने, तो देख सकते हो प्रॉपरली हो चुका है फिट। तो अभी इसका साइड पैनल भी लगा देंगे। सो गाइस तो अभी हम लोग ऑयल टॉप अप करेंगे। सो गाइस अभी हम लोगों ने ये वाला भी साफ़ कर लिया है, तो इसके अंदर पहले इसकी मैग्नेट वाली जाली आती है, ये ऑयल फिल्टर ही है एक तरह का जहाँ पे मैग्नेट लगाया गया, तो पहले हम इसे डालेंगे यहाँ पे। सो ये जा चुका है प्रॉपरली, तो अब हम इसका रबर देख लेना आप एक बार कहीं से कट हो गया क्या ये ऑयल से। तो अभी ये भी हमारी ओके है, तो हम लोग डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो बस हमको हाथ से सिंपली से क्लॉकवाइज घुमा के लगा देना है और ये इजीली लग जाएगा गाइस। एटीन नंबर का स्कैनर लेना है और क्लॉकवाइज इसको टाइट करना है, आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। देख पा रहे हो ये हमने फुल टाइट मार दिया, तो अभी हम लोग इसका इंजन ऑयल टॉप अप कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग ऑयल टॉप अप करने जा रहे हैं, तो पहले ऑयल कैप खोलेंगे इंजन का। तो जैसे कि आपको पता होगा ये इंडिया है, तो अभी हमारे पास फनल नहीं है, तो हम लोग जुगाड़ करेंगे। तो ये है हमारा जुगाड़, तो इसे हम लोग एक कोन बनाएंगे इस तरह से और इसे इंजन में इंसर्ट करेंगे इसका और फिर ऑयल डालेंगे। तो चलिए दिखाते हैं हमको इंडियन जुगाड़, आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास इंडियन जुगाड़ है, ऑयल फनल के 10 रुपये नहीं है बट ऑयल एकदम हाई क्वालिटी का है। सो मोटी उनका ऑयल डाल रही है, बाइक ज़्यादा गर्म नहीं होती, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी। तो अभी से आप शोरूम में जाओगे तो उनका जेन्युइन ऑयल आपको डालना पड़ेगा। सो गाइस अभी हमारा इंजन ऑयल टॉप अप हो रहा है। सो गाइस अगर ये इंडियन जुगाड़ आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस जुगाड़ को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि उनके 10 रुपये बच जाए। ऑयल महंगा डालेंगे लेकिन 10 रुपये खर्चा नहीं करेंगे। सो गाइस अभी फुल सर्विस हो चुके, तो पहले इसे फर्स्ट स्टार्ट देते हैं अभी। ओके 10-15 सेकेंड इसे रेस्ट नहीं देंगे, इंजन में ऑयल पोंछने देंगे पहले। साउंड थोड़ी सी इन्हेंस हुई है गाइस क्योंकि एयर फिल्टर चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली एयर ज़्यादा अभी अंदर जा रही है। 10 से 12 सेकेंड लग जाते हैं, तो पहले ये बाइक ब्लैक स्मोक भी दे रही थी, अभी थ्रॉटल देके देखते हैं ब्लैक स्मोक आ रहा है कि नहीं। सो ओके गाइस, तो जो ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। सो गाइस यहाँ पे अभी आपको स्मोक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पे ऑयल गिर रहा है, उसका स्मोक आ रहा है क्योंकि साइलेंसर गर्म हो गया बाइक का, तो वही स्मोक आ रहा है अभी। देख पा रहे हो, ज़्यादा डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जॉस्ट पे ऑयल है, तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो गाइस ओवरऑल सर्विस हो चुकी है बाइक की, तो अभी इसे वॉश करवा लेंगे, अभी वो मैं इस पार्ट में नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस यहीं पे एंड करते हैं वाला वीडियो, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना।